तो आपके लिए मेरी तरफ से खाना खाओ, बजा के ले लो। दोस्तों तो आज हम आए थे साबरमती आश्रम में, जो मुंबई लोकल। क्या बात है। हाँ दोस्तों, सुबह के 7:15 हो चुकी है और आज है 16 अक्टूबर 2023। दोस्तों अभी हम बस रात को, आपको पता है हम कैंपिंग टेंट लगाया था तो उसके अंदर सोए थे, अब सुबह सुबह हम बैठे हैं इधर। और ये देखिए स्कूली बच्चे यहाँ पर हमें दिख चुके हैं कितने सारे, हेलो कर दो सबके सब। और इधर भी देखिए। और भाई ये यहाँ के ना गुजराती बच्चों को मैं एक अच्छा लगा, हमारे यूपी में क्या होता है जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो उसका बड़ा हवा होता है कि बच्चा वो करके लेकर आएगा तो वो हो जाएगा को जाएगा, लेकिन यहाँ के बच्चे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, 10th है या 9th हो या 12th हो सब इनके लिए नॉर्मल है। क्योंकि भाई इन्हें नौकरी थोड़ी ना करनी है, सबको बिजनेस करना है, बिजनेस करना ना इन्हें यही सिखाया जाता है बिजनेस करने के लिए। और इसलिए गुजरात आगे यार आगे होना भी चाहिए, इनका मेंटेलिटी इतना पॉजिटिव है। और ये इधर पीछे स्कूल का नाम क्या आपका? स्वीट केयर। वाह, मीठी देखभाल। इधर ही बच्चे देख रहे हो, हमारा बैग इधर रखा है और प्रवीण भाई एडिटिंग कर रहे हैं। और यहाँ से निकल के हम कहीं ना आज अहमदाबाद का, यहाँ तो सामने मंदिर था, रात मैंने आपको दिखाया था कि इतना अच्छा गरबा नहीं हुआ था, लगभग आधे घंटे का हुआ था, लेकिन हमें इतना मज़ा नहीं आया जो हम रियल चीज़ देखने आए थे ना, कि आई थिंक उसका गेटअप भी वो होगा गुजराती तो तब अच्छा लगता। तो हम यहाँ से अहमदाबाद की तरफ जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे। 8:04 हो चुकी है तो हम बस उठ के निकले ही थे, आगे बस 40 मीटर चले तो भैया मिले। आपका नाम क्या है? आदेश भाई। आदेश भाई, तो इन्होंने हमें 8 किलोमीटर की लिफ्ट दिया, थैंक यू भैया। तो भैया दोस्तों ये अपनी तरफ से कॉफ़ी लेकर आए हैं और हमने कॉफ़ी चाय पी भी नहीं थी, तो पहली बार गुजरात में हम कॉफ़ी पी रहे हैं। क्या बात है। और भैया इतने कॉमेडी है भाई, मज़ा आ गया पूरा इनके साथ बैठ के। अगर पूरे दिन बैठ के ना तो हंसते हंसते आज यार पेट दुख जाएगा इनके साथ। दोस्तों हम रोड से गुजर रहे थे तो एक भाई मिले, आपका नाम क्या है? विराट। तो इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ये देखिए फ्लाइंग चिनू, 1 रुपये से बढ़ती यात्रा। ओके भाई मिलते हैं, चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। दोस्तों हम रास्ते से गुजर रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश भाई लजी बिमानिया। ओके, और ये भाई हमें पानी की बोतल प्यारे हैं। और ऐसे लोग रोकते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हम चलते आ रहे थे बहुत सुबह, चाय पर सिर्फ कॉफ़ी पिए, वो भी सिंगल छोटी सी, उसे पता है मेरा रेडी होता, लेकिन अब पानी पियेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और दोस्तों अंकल जी ने हमें यहाँ पे बैठा दिया है, थोड़ा सा हमें रेस्ट मिल चुका है और उन्होंने चाय मंगा ली हमारे लिए, ये देखिए, और इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। पे लिखा है यहाँ पर जय भोले भंडारी। दोस्तों ये साबरमती आश्रम से 5 किलोमीटर पहले है, अभी आपको मेन लोकेशन हम बता देंगे। तो यहाँ पर 30 रुपये में भरपेट खाना मिलता है, समझे 30 रुपये में। तो आइए यहाँ पर भैया जी बात करते हैं। भैया जी इस दुकान की लोकेशन क्या है? दुकान की लोकेशन मतलब इस जगह का, जगह का साबरमती ओंजी सी मोटर रोड। ओके, तो यहाँ पर कुछ खास बात बताइए कि 30 रुपये में भरपेट खाना दे रहे हैं आप? दो सब्जी दाल भात रोटी। ओके, तो दोस्तों अगर आप मुसाफिर हैं या इस रास्ते से गुजर के जा रहे हैं तो 30 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हैं, क्योंकि जो लोग घर से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए उनके लिए ऐसी ही जगह अच्छी होती है, क्योंकि हम लोग ना होटलों में बैठे खाना नहीं खा सकते, 300 रुपये हमारे पास है नहीं। बस आपको पता है मैं 1 रुपये से भारत यात्रा कर रहा हूँ, तो हम ऐसी ही जगह आते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। और चावल बना हुआ है अभी ताज़ा, ये ताज़ा चावल मिलेगा आप, आई थिंक ये नहीं कि 30 रुपये में आपको सस्ता बेकार खाना मिलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत गजब खाना मिलेगा, घर जैसी फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। और ये ताज़े चावल देख सकते हैं आप, और बड़ा अच्छा लगा यार 30 रुपये में खाना मिला है। आप भी यहाँ पे खाना खाते हैं पहले? बढ़िया, नंबर वन खाना बने। ओके, तो इधर आपका जरूर आना चाहिए। भाई जी इस दुकान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऑथेंटिक खाना देते हैं, ऐसा नहीं कि 30 रुपये में जो बकवास खाना खिला देते हैं, अच्छी तरह से बनाते, साफ सफाई रखते हैं, अच्छे से कटिंग करके सब्जी वब्जी सब कटिंग करके अच्छे से खाना खिलाते हैं। थैंक यू भैया। तो जो इनका फीडबैक है, बनाने वाले अच्छे रहते हैं। ओके, ये रोटी बनाने वाले हैं सर? रोटी बनाने वाले हैं। ओके ओके, भाई कारीगर है, वो भाई कारीगर है। ओके, तो इसका मतलब आपको यहाँ बैठ के ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। आपको घर की रोटी सेम मिलेगी। और ये वाले अंकल जी लेकर आए, अंकल जी आपका क्या रिलेशन है यहाँ से? वो मेरे चाचा लगते हैं, वो हमारा वो भी चाचा लगता है। ओके ओके, तो इनके अंकल जी यहाँ पे लेके आए हैं, शुक्रिया। और आपकी दुकान मैं तक बहुत आगे तक पहुँच जाए। और ताजा ही बनता है, देखो ये चावल भी गर्मा गर्म है अभी, सब्जी बन रही है। ओके बराबर, जो आज आज चना की दाल की सब्जी है और कोबीस का सब्जी है। ओके ओके, और अभी बनना शुरू है, 12 बजे से चालू हो जाएगा। 12 बजे ग्रेवी है, अभी ताजा ग्रेवी किया हुआ है। क्या बात है, बढ़िया। ये पका हुआ
दाल का सब्जी पका बफा हुआ है और यहाँ पर रोटी पकाने के लिए। थैंक यू, बढ़िया। घूमने वाले हैं इंडिया घूमने के लिए दोस्तों। अंकल जी ने ये बहुत सारे बिस्कुट दिला दीजिए और ये हमारे बहुत काम आएंगे। थैंक यू। और जो मेरा बिस्कुट है ना वो सब खत्म हो चुका है, तो समझो करो मैं 1 रुपए यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन ये लोग दिक्कत आने नहीं देते मुझे। दोस्तों ये सामने का रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है साबरमती रेलवे स्टेशन और हमें 6 बिस्कुट मिले थे, 2 तो मैंने दे दिए, 2 एक बच्चा था एक उसकी माता थी, लेकिन एक मैंने खा लिया एक परिवार को दे दिया। और यहाँ पर हम खा रहे हैं खाकड़ा कि भाई भूख का टाइम भी हो चुका है। और साबरमती आश्रम आपको दिखाते हैं दोस्तों। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं मतलब कुछ अपना ही फंडा चला कर रखते हैं स्टार्ट वो, और मैं यहाँ पे इधर बैठा ही था, कहने लगे कि भाई यहाँ पे कैमरा लग रहा है उठ के जाओ। पागल हो गया, बैठने के लिए भी क्या दिक्कत तुम्हें दोस्तों। 12:05 हो चुकी है और भाई भूख भी लग रही थी, तो यहाँ पे सबसे सस्ता खाना मिल रहा है 40 रुपये की है, मतलब पूरी दी है साथ में अच्छा दिए 10 रुपये की अलग से दिए। हाँ दोस्तों मैं यहाँ पे इधर खाना खा रहा था तो एक छोटा भाई मिला है, आपका नाम क्या भाई? सनी। तो आपके लिए मेरी तरफ से खाना जाके ले लो, ठीक है? और भाई मैं भी खाना खा रहा हूँ इधर कुछ फटाफट। साबरमती आश्रम यहाँ से सिर्फ लगभग 300 मीटर दूर है, फिर वहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों हम साबरमती आश्रम आए थे तो यहाँ पर कुछ इंदौर के मेहमान मिले हैं हमारे, और आपका नाम क्या है? उल्लास बापट। उल्लास बापट भाई, आपका? अर्पित बापट। और आपका भाई? आदित्य बापट। आपका? मिस बापट। तो इतना प्यारी फैमिली है भाई, इन्होंने आई थिंक लगभग 2-2.5 मिनट बात करी, हमारा मजा आ गया, पूरा दिन बन गया ये समझ लो। और इन्होंने हमें इनवाइट किया इंदौर में, एमपी के रहने वाले हैं और यहाँ से हम निकलने वाले आप राजवाड़ा क्षेत्र में। राजवाड़ा क्षेत्र में दो युवाओं का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, और इनका जो विजन है भारत यात्रा, इसके लिए जो इनकी शेष भारत यात्रा बची है उसके लिए मैं इनको तहे दिल से शुभकामना देता हूँ कि इनकी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण हो। और ये परसों शायद एमपी के लिए निकलेंगे, और मैं भी इंदौर का ही निवासी हूँ, मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय स्थल कहलाया जाता है, और हमारे यहाँ जो मेहमान नवाजी है वो बहुत फेमस है। मैंने इनको सराफा का चाट बाजार जो खाऊ गली के नाम से फेमस है ओके, उसके लिए मैं आप दोनों को आमंत्रित कर रहा हूँ। ओके, और ओके। आप आए भारत के दिल के हृदय में, आपका स्वागत है। ओके, आपको वहाँ पर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर, मांडव और ये सब चीजें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अभी सर ने ये चीजें बताई हमने सिलेक्ट कर रखी है चीजें, वैसे मध्य एमपी जो है वो काफी बड़ा है, अभी मेरा ग्वालियर तक लास्ट रहेगा क्योंकि वहाँ पे मुझे कॉलेज में जाना है। और ये फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा के तो मिलेंगे। तो बापट फैमिली ने हमें ये कुछ गिफ्ट दिया छोटा सा, तो मतलब कि हमारे लिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि मैं 1 रुपए से भारत यात्रा कर रहा हूँ, तो ये लोग ना आई थिंक मेरे लिए एक हिस्सा बनते हैं मेरे सफर का। और वाकई में ये ना मेरे लिए आई थिंक अभी तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये इनका जो पैसा ये व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, जब मेरा पूरा इंडिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर मुझे 1,000 मिलता है तो 1,00,000 का दान करूंगा मैं। क्या बात, ये मेरा विजन है। आपका व्यर्थ नहीं जाने दूंगा आपका पैसा। ओके, थैंक यू। हाय दोस्तों, तो आज हम आए थे साबरमती आश्रम में जो आपको पता है गांधी से संबंधित है, और यहाँ पर आपको जो सामने वो दिख रही है वो है साबरमती नदी, उसके किनारे यह आश्रम बसा हुआ है। सेम मतलब कि कुछ यहाँ पर अलग चीज़ आपको मिलने वाली है, उनके जो मार्च से आंदोलन थे सब के सब आपको इधर मिल जाएंगे, उसकी जानकारी मिल जाएगी। आई थिंक और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ले सकते हैं, बाकी जो पोरबंदर में इनका घर था तो वहाँ पे थोड़ी कम जानकारी है, लेकिन इधर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने हमें चाय ऑफर की है, और यहाँ पे सर जो बहुत अच्छे मतलब कि हम जब से वहाँ बैठे थे और इन्होंने कहा अच्छे से आराम करके जाना इधर से, तो इधर से हम निकलने वाले हैं। हम एक गरबा अपने एक बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर GDMC कुछ इस तरीके से, वहाँ इसकी चाय पीने के बाद निकलते तुरंत। ये प्रवीण इसने एक नींद भी ले ली। भाई मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं कैसे कैसे सो जाता है मुझे, तो मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ। दोस्तों एट अ प्रेजेंट टाइम हमें साबरमती आश्रम में, और ये मैम मिली हमें और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और एक बाबा जी मिले थे उन्होंने थे भाई पूरा इतिहास ही हमें
दिखा दिया, बिल्कुल मिलवा दिया, उनसे बातचीत करा दिया। मैम आपका नाम? वैशाली। वैशाली, और ये ना अभी जस्ट हमने काफ़ी सारी बात करी और मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था तो मैंने साइलेंट पिन लगाया था, ये दो बट हो गया हो सारी। तो अभी एक किसी से मिलाने वाली हमें, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं हम, क्योंकि जिसके लिए हम इधर की साइड आए हैं वो अभी इंतज़ार कर रहा है हमारा। ओके दोस्तों, ये बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है साबरमती आश्रम से मुझे, और ये 200 रुपये आई थिंक डायरेक्टर सर ने दिए हैं, और उनसे मिलते हैं और फिर आशीर्वाद लेके उनसे निकलते हैं। किधर है, अंदर हो? तो जैसा कि दोस्तों हम साबरमती आश्रम घूम लिया पूरे का पूरा, हमने हर चीज़ आपको यहाँ शूट करके नहीं दिखाई, क्योंकि मैं मंदिर में गया था वहाँ पर, लेकिन जहाँ पे उनका मेन घर है पोरबंदर में, तो वहाँ पे मैंने दिखा दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा रहा, चीज़ों को दिखा रखा है उनके पूरे, आई थिंक जो आपने इतिहास की किताब में पढ़ा होगा उनके आंदोलन के बारे में, वो किससे मिले थे, क्या करा था उन्होंने, पूरा बायोग्राफी आपको इधर मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनके यहाँ के डायरेक्टर सर से मिले, और यहाँ पे मैम थी, उनसे बात करके अच्छा लगा बहुत, और उन्होंने हमें बहुत बड़ी भेंट दी 200 रुपये, और मैम के लिए आपके पास 201 रुपये हो गया, लेकिन आई थिंक वो सब चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है मुझे जो भी मिलता है मैं उसका आधा किसी और को दे देता हूँ। और अब निकलते हैं यहाँ से पोरबंदर की जगह जहाँ पे ग्राउंड है वो GMDC, और यहाँ पे अहमदाबाद आई थिंक गुजरात का सारा माहौल आपको वहाँ मिलेगा, और यहाँ पे से 5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों एक भैया जी मिले हैं भाई, इतना इनका लैंग्वेज में बड़ा धासु लग रहा है, बिल्कुल धासु। क्या बात है, लोकल है भाई इधर के। और अभी यहाँ से कितना दूर है GMDC सर्कल? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर बस भाई, इतना सही। अभी जाते हैं पूछ पाछ के, और ये भैया की दुकान है। कौन है आपके? मेरा सेठ है। सेठ है, ओके ठीक है भैया, निकलते हैं। तो भैया जी मिले, और भैया जी ने हमें इतनी बड़ी भेंट दे दी है, और थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके काम में थोड़ा सा सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों आई थिंक जो मैंने एक आर्टिस्ट से वो बोर्ड बनवाया था, तो भैया जी की दुकान पे, क्योंकि पहले दुकान पे गए तो वो कह रहा कि जिसका जब मोटाई ज़्यादा है तो ये हो नहीं पाएगा, लेकिन भैया ने भाई जुगाड़ लगा के कर ही दिया कंप्लीट। आपका नाम क्या भैया जी? बनवारी गुप्ता। बनवारी, वाह क्या नाम है, अयोध्या से हो तभी बनवारी मेरे लगा, उधर की फीलिंग आई यूपी की। उधर तो कृष्ण कन्हैया को बोलते हैं। दोस्तों फाइनली भैया की वजह से मेरा नया बोर्ड तैयार हो चुका है, और लेकिन जो पुराने वाला था वो हवा में बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करता था मोमेंट, लेकिन ये एक जगह टिका रहेगा मोटा और हाँ बिल्कुल, और भाई ने जुगाड़ से लगाया भाई सब ये, और ये भाई का भी न्यू हो चुका तैयार। ये चेहरे पे खुशी देखी। तो ये देखिए भाई सब कितना प्यारा लग रहा है। जिस ग्राउंड के पास हम जा रहे हैं वो यहाँ से बस लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, और अभी खाना खाने वाला है यहाँ श्री महासर पूरा भोजनालय। जैसे ही भैया जी को पता चला कि मैं 1 रुपये से भारत यात्रा कर रहा हूँ, तो ये वाला जो खाना है इस होटल के मालिक ने बिल्कुल मेरे लिए फ्री कर दिया, थैंक यू भैया। दोस्तों हम अभी 9 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, और श्री माँ आसपुरा भोजनालय, और भैया जी है, आपका नाम क्या है? करण सिंह चौहान। करण सिंह चौहान, तो भाई भैया जी ने हमें यहाँ रात का खाना ऑफर किया है, और आपको पता है जो भी हमारे साथी बनता है हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी अब हमारे सफर के हिस्सेदार बन चुके हैं, क्योंकि हर बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1 रुपये से भारत यात्रा कर रहा हूँ, तो ये लोग ना बहुत योगदान करते हैं मेरे साथ, थैंक यू भैया। दोस्तों फाइनली हम GDMC ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डांस प्रोग्राम होता है, और ये मतलब गुजरात के अहमदाबाद में है, और नवरात्रों में स्पेशली यहाँ पर मनाया जाता है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हमारा पास नहीं है, फिर ये बिल्कुल कोई भी यहाँ आ सकता है, और उधर अलग नज़ारा है और इधर अलग नज़ारा है। तो ये गेट नंबर हम 7 से एंटर कर चुके हैं, वैसे समझ लो गेट अगर 7 नंबर तक है तो समझ लो कितना बड़ा हो सकता है ग्राउंड ये, और यहाँ का आपका सारा नज़ारा दिखाते हैं हम। दोस्तों ये है गेट नंबर 6 GMDC, और यहाँ पर प्रोग्राम होता है अहमदाबाद में गरबा का।
दोस्तों ये ग्राउंड है, एंट्री तो मिल गई है लेकिन समस्या ये आई, पहले तो पुलिस वाला जो एंट्री पे था और बहुत ज़्यादा शक कर रहा था, कह रहा कि भाई अपने बैग में क्या कर रखा है, बम बम रखा, इस तरीके से बात कर रहा था। और वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे भी हो गए थे, फिर कहना कि इन्हें रवाना कर दो। वो आई थिंक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि हम भारत यात्रा कर रहे हैं, वो थोड़ा हमारा बैग सेटअप थोड़ा वैसे ही ना, और कहने लगे ये क्या लगा रखा है बैग के अंदर, वो जो मेरा जो स्टिक थी ना, तो उसके बाद कह रहा कि बैग बाहर रख के आओ और तब अंदर जा सकते हो। अब बैग बाहर तो अब मतलब बनता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना आई थिंक कुछ भी बाहर रखा हुआ मिला किसी भी लोग का तो जो यहाँ पे कॉरपोरेशन वाले हैं वो उठा के ले जाएंगे उसे। तो जो यहाँ सोच के आए थे इसके लिए हम दो दिन से इंतज़ार कर रहे थे, पहली बात जो होना नहीं होता उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने ये भी सोचा था कि एक बाहर रहेगा तो वो बैग वैग देख लेगा फिर दूसरे चला जाएगा, लेकिन कोई नहीं वो भी नहीं हो रहा। और उसके बाद आगे की तरफ चल रहे हैं, अब ढूंढते हैं अपना रहने का कहीं बंदोबस्त। तो दोस्तों आज एक को आपको एक बहुत बढ़िया सी बात बताता हूँ, पता है हर इंसान के जीवन में खुशियाँ नहीं होती है, उसे बनानी पड़ती है। जैसा कि आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा, आज 16 अक्टूबर 2023 है और यह दूसरा नवरात्र है, तो हम इधर अहमदाबाद में नवरात्र देखने के लिए आए थे लेकिन वहाँ पर एंट्री नहीं हुई हमारे बैग की वजह से, क्योंकि बैग हमारा बहुत काफ़ी बड़ा है, तो अच्छी बात है उनकी भी वो नहीं करा लेकिन। और 11 बज चुके हैं और हम बैठे हैं एक जगह पर सीट पर, देखिए हमें पता नहीं कहाँ सोना है, सोने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खुशियाँ होती नहीं है यार, उन्हें बनाना पड़ता है, उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसा ही कुछ एडवेंचर करते रहिए अगर आप पे कुछ हो पाता है जो भी, जैसे कि हम तो एडवेंचर कर ही रहे हैं, एक नई जगह अनजान जगह बैठे हैं अपना सीट पर, पता कुछ नहीं अभी कोई बाहर से आएगा वो कहेगा कि यहाँ से बाहर जाओ तो हम बाहर जाके बैठ जाएंगे, नहीं तो चलते रहेंगे, और बस ऐसे ही चल रहा है और ये हमारा सफ़र रहता है। और ये सब चीज़ें बताने में बड़ा मज़ा आता है आप सबको कि यार आप इन चीज़ों को मिस करोगे अपनी लाइफ में।